सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। अगर चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। आज का पंचांग 28 मई 2022 दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 1:09 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 4:39 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:04 से 10:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। सेहरा से 28 मई 2022 दिन शनिवार, आप बहुत दिनों से आज के दिन के लिए बचत करते आ रहे हैं। आज कोई ऐसी खुशी की खबर मिलेगी जो आपके होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू ले आएगी। आज आप पूरे दिन दोस्तों और संबंधियों से घिरे रहेंगे, समय मचे में बीतेगा लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। समय अनुकूल है, घर के बड़े बुजुर्गों के अलावा अनुभवों का अनुसरण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा तथा आपको जीवन के सकारात्मक पहलुओं से रूबरू होने का भी अवसर प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। संयम की कमी होने से आपकी जिद बढ़ सकती है। अहंकार से बचें, जो बातें अभी आपको आनंद दिलाने वाली है लेकिन भविष्य में इन बातों की वजह से तकलीफों से सामना होने वाला है, इस बात का एहसास होगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिस्पर्धियों के सामने कमजोर महसूस होने लगेगा। काम से पारंगत होने के लिए प्रयत्न बढ़ाएं। जिस व्यक्ति के लिए आपको आकर्षण महसूस हो रहा है उस व्यक्ति से अभी किसी प्रकार की अपेक्षा न रखें। हार्ट संबंधित बीमारी होने की आशंका बन रही है, कोलेस्ट्रॉल की जाँच करवाएं। सावधानियाँ, किसी भी तरह के लेन देन संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही करना उचित नहीं है, अन्यथा इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिजल्ट पर पड़ सकता है। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना आपका दायित्व रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव की स्थिति रहेगी, परंतु थोड़ी सी सावधानी बरतने से आपसी संबंधों में और अधिक मजबूती भी आएगी। आपको अपने पार्टनर के करीब आने के लिए थोड़ा नम्र और ख्याल रखने वाला बनना होगा। वह इस समय किसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर काम कर रहे हैं तो आपको उन्हें प्रेरणा और हिम्मत देने की जरूरत है ताकि वह आपके साथ अपनी सब बातें बांट सके। अगर आप इस वक्त उनका साथ देते हैं तो इससे आपके रिश्ते पर लंबे समय तक टिकने वाला प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं करियर की। आज के दिन उनके लिए अच्छा है जो कि निर्माण के व्यवसाय से जुड़े हैं। आज के दिन आपको जांच पर रख कर निवेश करना है क्योंकि ये अवसर लघु समय के लिए है। अगर आप अपने लिए घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। अपनी इस चीज के लिए जो वित्तीय रणनीति बनाई थी उनका फल अब आपको मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कुछ दिनों से चिड़चिड़े और परेशान सा महसूस कर रहे हैं, पर ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों का बहुत अधिक ध्यान देने में लगे हुए हैं। अब समय आ गया है कि आपको यही प्यार अपने लिए भी दिखानी है। अपने खाने पर ध्यान दें, खूब आराम भी करें और अपने शरीर को आराम देने और खुशी महसूस करने के लिए ब्यूटी पार्लर में भी जा सकती हैं।
इससे आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।